एक ना आपको ट्रिक बताती हूँ दूध गर्म करें, ताकि ये जो नीचे है ना मलाई न जमे। कभी भी दूध गर्म करने से पहले उसमें ना ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा पानी रख, उसके बाद आप दूध डालें तो क्या कहते हैं, दूध जो है वो नीचे मलाई नहीं जमती उतनी, थोड़ी सी रहती है बस, ज़्यादा मलाई नहीं हो, दूध गुड मतलब मॉर्निंग सही फ्रेंड्स, दूध बन आज जाएगा। है और हाँ, पता दूसरा नहीं इसको आज क्या स्टेयर है। करते हैं, स्टेयर मतलब हाँ चला आज चलिए है, छोटी सॉरी सी टिप आज है है दूध गर्म सैटरडे, करने की। तो मैं सुबह का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको एक दूध गर्म करने की टिप दी है, तो और यहाँ मैंने चाय बना ली है जिसमें हम पीने जा रहे हैं मैं और हस्बैंड। अभी हम सुबह सुबह के टाइम है ये, तो बच्चे अभी सो रहे हैं तो हम लोग सिर्फ चाय पियेंगे। और मैं यहाँ रील्स भी रिकॉर्ड कर रही थी तो ये आदि के लिए खुशी की है। और अब मैं वक्त कर रही हूँ कटलेट्स बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने हैं, उन्हें क्या कहते हैं हल्का सा मतलब रोस्ट कर लिया कढ़ाई में, और उसकी छिकल अलग कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, कटलेट्स में इसको डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये छिकल यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, और उसके बाद इनको मैं थोड़ा सा दरदरा मतलब मिक्सी में ही कर लूँगी, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, मिक्सी में इसको मैं दरदरा कर लूँगी। बिल्कुल बारीक फाइन नहीं करना है इसको, बारीक मतलब फाइन नहीं करेंगे, सिर्फ दरदरा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कर लिया है इसको सब कुछ चॉप, धनिया है, हरी मिर्च है, और ये है मूंगफली दाना जिसको दरदरा करना था और थोड़ा सा ज़्यादा पिस गया, तो कोई नहीं। और ब्रेड क्रम्स और आलू, ब्रेड क्रम्स को भी मैंने मिक्सी में चला लिया था, तो आप चाहे तो रख के भी ले सकते हो पुराना, मगर मैंने फ्रेश ब्रेड थी तो उसी को ही चला लिया। और अब यहाँ पे मैं सबको मिक्स कर रही हूँ, नमक मिर्च सब डाल के, हरी मिर्च, हरा धनिया, हल्की सी अदरक, तो इन सबको बाइंडिंग के लिए। और आलू, तो आलू थोड़ा कम करके आप ब्रेड ज़्यादा रखिएगा, ताकि उससे मतलब जो उसका अंदर का सॉफ्टनेस है ना, वो आलू तो बाइंडिंग के लिए होता है, बाकी सॉफ्टनेस और जो क्रीमी टेक्सचर आएगा वो क्या कहते हैं ब्रेड क्रम से ही आएगा ज़्यादा। तो कटलेट मैं इसी तरीके से, और थोड़ा सा मैंने कटलेट का वो सॉरी कटलेट बोली ब्रेड क्रम्स अलग निकाल के रख लिया, ताकि उसको उसमें डिप कर सकूं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक चेक कर रही थी अलग से देख के, और ये देखिए कितना अच्छे से बनने लग गया। तो बस अब मैं इनको फटाफट से सारे कटलेट्स बनाती जाऊँगी, निकालती जाऊँगी, बना के तो नहीं रखूँगी क्योंकि बच्चे अब तक सो रहे हैं, फटाफट इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और ये मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये ब्रेड क्रम्स की वजह से सब फैला हुआ है, तो इसको माइंड मत करिएगा कि गंदे हैं कपड़े, कपड़े गंदे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने शेप देना शुरू कर दिया है, तो ये है ब्रेड क्रम्स, और इसी पे रख रख के मैं इसको फोल्ड कोटिंग कर लूँगी इसी की, ब्रेड क्रम्स की। और ना एक टिप्स और देना चाहूँगी, कटलेट बनाते से कभी उसको रोल जब करें उसको मोटा मोटा मत करें, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए अपने हथेली के पाम की मदद से, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए, और जब मीडियम आँच पे उसको डालिए, तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बिल्कुल हल्का स्लो भी ना हो, बिल्कुल मीडियम आँच पे डालिएगा, ताकि अंदर तक वो पक जाए और कुरकुरा हो, मतलब एक क्रिस्पनेस होती ना वो आएगी आपके मतलब कटलेट्स में। तो बस और मैं शेप देती जा रही हूँ, और उनको पाम से अपने मतलब हथेलियों से अपनी दबाती भी जा रही हूँ, बस ऐसे ही बना बना के मैं देखिए आप इस तरीके से डिप कर करके रख रही हूँ, और एक हाथ से तलती भी जा रही हूँ एक दो, तो बस यही। यहाँ पर ना मैंने पहले थोड़ी मिर्च कम डाली थी, तो अब मैं अपने और इनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि अरब मिर्च नहीं खाता है, तो उसके लिए सिर्फ एक मिर्च हरी मिर्च डाली थी मैंने, बाकी नहीं डाली थी। अब बाकी में मैंने और हरी मिर्च मिलाई है, ताकि थोड़ा तीखा हो जाए, क्योंकि हम लोग को तीखा ही पसंद है। तो बस मिर्ची मिला के मैं हरी मिर्च मतलब सॉरी लाल मिर्च मैंने केवल कलर समझ लिया, टेस्ट के लिए डाली है, बाकी तीखी हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो वही डाली मैंने इसमें। और बस हम औरतें यहाँ पे कितनी मल्टी टैलेंटेड होती है ना किचन में। मैंने बिना हाथ धोए फ्रिज खोला और एक हाथ से निकाल के दूध चाय में दूध डाल दिया है मल्टी टास्किंग इसलिए बोला कि हाथ भी नहीं धोया और फ्रिज भी गंदा नहीं हुआ और दूध निकाल के डाल दिया। तो औरतों को इन चीज़ों की किचन में अपनी मर्जी से मतलब मर्जी से क्या मतलब एक आदत बन जाती है कि इस तरह से काम करना है, फटाफट कैसे निपट सकते हमारा काम, बस ये निपटाना है तो निपटाना है, तो चाहे फिर कैसे भी करें, इसलिए वो मल्टीटास्किंग होती है औरतें जो है, इसीलिए मतलब आदमी से ज़्यादा काम कर सकती है। अगर मान लो कहीं औरत बाहर जॉब भी करती है तो पहले वो घर का काम करेगी उसके बाद जॉब करेगी, आदमियों के लिए ये चीज़ नहीं लागू होता, क्योंकि भाई वो आदमी है तो बाहर कमा रहे हैं, वो घर का काम कैसे करेंगे, इसीलिए तो औरतें होती हैं मल्टी टास्किंग।
यहाँ पर आप ना क्या कहते जो ये कटलेट्स है इनको मीडियम आँच पे सेकिए, धीमी पे भी नहीं हो और ये ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी ना हो। अगर आप धीमी आँच पे सेकोगे ना तो ये अंदर तक पक जाती है, तो वो अजीब सा कच्चापन नहीं आता ब्रेड का, और ज़्यादा फास्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो ऊपरी ऊपर सिक जाती है। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से अंदर तक पके हुए हैं और खाने में तो इतने टेस्टी बने थे ना ये मूँगफली दाने की वजह से। और ये चाय और कटलेट्स जा रहे हैं हस्बैंड के लिए, अभी फटाफट से वो खा लेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा तो ये मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। और इन्होंने पता है क्या क्या मैंने दो चार मतलब अपने एक्स्ट्रा भी रख लिए जाके, तो हस्बैंड ने मेरे हिस्से के भी खा लिया और मैं रह गई ऐसे ही। तो अभी ना खिड़की के पर्दे कर्टन लगा रखे, लाइट तो लाइट तो जला लो, अगर कर्टन लगा रखे हैं जलाओ, तो बस ये वही चल रहा है। हेलो एवरीवन, तो छोड़िए, बहुत गर्मी है और मैं अपना जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी किचन से आज। वेलकम बैक टू माय किचन, नहीं सॉरी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज जो है ना, आज के मतलब गर्मी तो हो ही रही, वो तो सभी जानते हैं, तो मैं क्या गर्मी का रोना रोऊं, तो गर्मी का रोना नहीं रोऊंगी मैं। मुझे करना है कुछ काम, आधा काम मैं कल निपटा चुकी थी और आधा आज करूँगी। छोटे बेटे को मैंने सुला दिया, केसू सो रहा है क्योंकि, और केशु की ना तबीयत नहीं ठीक है, उसको कल बुखार आया था तो जिसकी वजह से मतलब पहले उसको जुखाम हुआ, ठंड लगी उसको, फिर उसको बुखार आ गया रात में, वो रात भर सोया नहीं, और सोई तो मैं भी नहीं, उसको रात भर गोद में ली बैठी, तो ये मुझे ना यहाँ पेन हो रहा है इसमें, उसको लेने की वजह से ये राइट हैंड में शोल्डर में मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो फिर मैंने अभी एक पैरासीटामोल खाई कि मुझे काम करना है, और वो भी जग जाएगा तो फिर बहुत काम है। और इधर ये हमारे चुप्पू, ये ऐसी बंदर हमारे घर का, तो ये बंदर हमारे संग लगा ही रहेगा। तो मैं अभी करना है मुझे कुछ काम, दिखाती हूँ मैं आपको क्या काम करना है, कुछ काम या कुछ ठाना है मैंने, तो ये काम निपटाना। और इस लड़के को बस जूस दे दो, जूस दे दो, जूस दे दो, बस इसको सारा दिन जूस दे दो। आरव नहीं बेटा, चलो तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको मुझे क्या काम करना है, और जिसका आधा काम मैंने कल निपटा दिया था, अभी दिखाती हूँ मैं। मेरे हॉल की हालत कुछ ऐसे बिखरी पड़ी है, सब चारों तरफ से बेड वेड सब कुछ भी काम नहीं हुआ, और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1 बजे हैं। तो कल मैंने ये गाड़ी है जो ये पहले आरफ की गाड़ी, ये बालकनी में थी, तो मेरी गाड़ी यहाँ से मैंने निकाल दी है। और मुझे करना है, एक सेकेंड फोकस करना है, हाँ मुझे ये बालकनी अपनी क्लीन करनी है पूरा ये सब। तो कल यहाँ गाड़ी निकाली थी तो देखो कितना गंदा है, और अपने पेड़ पौधे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं सारे, मतलब गर्मी हो गई तो इनको भी सही करूँगी, कुछ ठीक ठाक करने हैं इधर। और जब मैं बता रही थी ना, मैं ब्लॉग डाला था मैंने कि नर्सरी गई थी, तो नर्सरी से सिर्फ मैं ये सिर्फ 2 पौधे लाए थे जो कि बहुत सस्ते थे, तो सिर्फ ये पौधे आए हैं नर्सरी से। अब इसका मेक ओवर तो नहीं, इसकी सफाई करनी है बालकनी की, और ये मेरे आगे पीछे ऐसे लगा रहेगा। और धूप देखिए इतनी तेज़ धूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लग रहा है गिलहरी ने मेरा गमला वमला गिराया है, सारे पेड़ मेरे ऐसे ही ख़राब हो रखे हैं। चलिए क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको घर का हाल ऐसा है मेरे। और बस वेलकम बैक टू माय चैनल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, नहीं माय नहीं, वेलकम बैक टू आवर चैनल, ये हम सबका चैनल है। और एक फैमिली बनानी है मुझे अपनी जो यूट्यूब पे बनेगी, रियल फैमिली से भी बढ़कर ये फैमिली होगी, रियल तो होती होती है, ऐसा कुछ मैं सोचिएगा सबका। तो मेरी रियल फैमिली, और रियल फैमिली में जुड़ने वाले हैं आप सब, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छा लगे तो। बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ये सब आप अच्छे से समझते हैं जब छोटा बच्चा और आपके पास। और हाँ एक और चीज़, मेरी हाउस हेल्पर नहीं है, वो चली गई है, मतलब चली नहीं गई, वो गई है 1 महीने की छुट्टी लेके, वो गई थी मई में गई थी, और मई से अभी तक तो आई नहीं है, मतलब मई नहीं सॉरी, इससे पहले क्या था अप्रैल, तो 26 अप्रैल को चली गई थी। और सब काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो बच्चा भी संभालना, घर भी संभालना, इसलिए मेरा घर फैला पड़ा है, और साफ़ हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सोने का मन कर रहा है क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई हूँ, तो अब सोऊंगी नहीं, पहले अपना काम निपटाऊंगी, उसके बाद आपको बालकनी क्लीन करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है अब पहले और अब मैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं, देख ही लिया आपने, अब आप क्या दिखाऊँ मैं, बार बार वही बात रिपीट कर इनसे, से हाय हाय बोलो, हेलो आंटी, हेलो आंटी। ये सब यहाँ से हटाना है ऐसे करके,
ये पेड़ पौधे जुगाड़ लगा रखा है मैंने, एक पटला रख के प्लैंक। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि मतलब जितना मैंने साफ किया धूल मिट्टी वापस उतनी ही आ रही है। वाह, किसी ने डोमिनोज ऑर्डर कर दिया पार्क में खाना खा। तो मैं अभी बालकनी से खड़े होकर थोड़ा देख के अपने पौधों वौधों को देखने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और किचन में आके मैं रात के खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने की तैयारी क्या मतलब, रात के लिए सब्जी बना के रखूँ क्योंकि केसु सो रहा है। और हाँ, मेरे कपड़े गंदे हो रखे, टी शर्ट वगैरह सब गंदे हो रखे, हाथ पैर भी धो लिए थे मैंने। मगर अब मैं नहाने जाती तो टंकी का पानी बहुत गर्म होता है दोपहर में हमारे यहाँ, तो शाम को जब ताज़ा पानी आता फ्रेश वाटर, मैं इसलिए अब शाम को ही नहाऊंगी, सीधे अपना ये खाना बना के रख दूंगी। और अभी बज चुके हैं 4:30, तो 5:30 बजे तक आ जाएगा, 1-1.5 घंटे में उसी तक मैं सब्जी भी बना के रख दूंगी, किचन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी और शाम को अपना नहा धो के फ्रेश हो जाऊँगी। और जब तक केशु सो रहा है ना, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा। हाँ, मेरे छोटे बेटे का नाम केशु है, तो तब तक के लिए कुछ नहीं, पता नहीं क्या होता, बीच बीच में अटक जाती हूँ बोलते बोलते। और ये देखिए चाकू भी नीचे गिर गई, तो बस इसमें मैं पीसूंगी सिर्फ टमाटर और अदरक लहसुन और मिर्च, ये चार चीज़ें डाल के मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और सीधे फिर क्या कहते हैं। और प्याज मैंने काट के रख रखा है, तो बस प्याज पहले प्याज डालूँगी और बनाऊँगी इसे मैं कुकर में ताकि जल्दी बन जाए। तो बस यही सब डाल के मैं फटाफट से सब्जी बना के रख दूँगी शाम के लिए। और रोटी और चावल तो रात में जब खाएंगे तब बन जाएगा। तो गाइज, यहाँ मेरा सब्जी मेरी बन रही है जब तक के लिए, और तब तक के लिए अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, यहाँ मैं कुछ और कहना चाह रही थी, आप लोगों से बात कर रही थी, मगर फिर मैंने सोचा नहीं, चलो अगले ब्लॉग में
करेंगे बात जो भी करनी होगी, वरना मेरा ये जो है ना वीडियो बहुत लंबा है। तब तक लिए टाटा बाय बाय, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।